पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर और भारत से पाकिस्तान गई अंजू की कहानी पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया से लेकर टीवी मीडिया में छाई हुई है। दोनों ने अपने प्यार के लिए बॉर्डर को पार किया, अपनी पुरानी जिंदगी को छोड़ने का फैसला लिया। कई दिनों तक सुर्खियां भी बटोरी, लेकिन अब दोनों की कहानी फिर भी काफी अलग है। यहाँ सीमा हैदर को जासूस का तमगा दिया जा रहा है तो वहाँ अंजू पर पैसों की बरसात हो रही है। सीमा बार बार सफाई दे रही है फिर भी उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहाँ अंजू शादी करने के बाद आराम की जिंदगी की ओर बढ़ रही है। सीमा और अंजू की कहानी में कैसे ये बदलाव हुआ जानिए। राजस्थान के भिवाड़ी से जब अंजू अपने पति को छोड़कर पाकिस्तान पहुंची तब उन्होंने खुद को सीमा हैदर से अलग बताया था। अंजू ने बार बार दोहराया था कि वो सिर्फ अपने दोस्त से मिलने आई है और यहाँ रुकने, शादी करने या धर्म बदलने का कोई इरादा नहीं है। लेकिन देखते ही देखते सब कुछ बदल गया। अंजू अब पाकिस्तान में फातिमा बन गई है। उनके कथित फेसबुक फ्रेंड नसरुल्लाह के साथ शादी का वीडियो भी सामने आया है जहां अड़ोस पड़ोस के लोग अंजू को तोहफे दे रहे हैं। बॉर्डर पार कर पाकिस्तान पहुंचना फिर धर्म बदलना, अंजू के इस कारनामे को पाकिस्तान में एक मिसाल के तौर पर पेश किया जा रहा है। तभी पाकिस्तान के बिजनेसमैन मोहसिन खान अब्बासी ने अंजू को इसके लिए बड़े तोहफे देने की बात भी कही है। अंजू को पाकिस्तान में एक प्लॉट दिया गया है, साथ ही 50,000 पाकिस्तानी रुपए भी देने की बात की गई है। इतना ही नहीं, जैसे ही अंजू की नागरिकता की औपचारिकताएं पूरी होती हैं तब नौकरी देने की बात भी कही जा रही है। भिवाड़ी में अपने पति और दो बच्चों को छोड़कर अंजू अमृतसर के रास्ते पाकिस्तान पहुंची थी। खैबर पख्तूनख्वा पहुंचने के बाद वो अपने बच्चों के संपर्क में थी और बार बार वापस आने की बात भी कह रही थी। लेकिन अब करीब 15 दिन बाद अंजू की कहानी पूरी तरह से बदल गई है और इसमें एक बड़ी साजिश भी नजर आ रही है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी अंजू की इतनी आवभगत पर सवाल खड़े किए हैं। नरोत्तम मिश्रा ने बयान दिया है कि जिस तरह अंजू की आवभगत हो रही है वो उपहार मिल रहे हैं, इससे कई तरह की शंकाएं पैदा होती हैं। हमने स्पेशल ब्रांच को इस मामले की जांच करने की बात कही है क्योंकि इसमें इंटरनेशनल साजिश का भी शक पैदा हो रहा है। आपको बता दें कि अंजू भले ही अभी राजस्थान की भिवाड़ी में रहती थी लेकिन वो मूल रूप से ग्वालियर की रहने वाली थी। यहाँ रहने वाला अंजू का परिवार पहले ही कह चुका है कि अंजू अब उनके लिए मृत घोषित हो गई है। अपने 4 बच्चों के साथ नेपाल के रास्ते भारत पहुंची सीमा हैदर ने शुरुआत में काफी सुर्खियां बटोरी, वो मीडिया में छाई रही और सोशल मीडिया पर ट्रेंड में रही। लेकिन इन सुर्खियों के साथ साथ मुश्किलें भी बढ़ रही थी क्योंकि सीमा हैदर पर जासूस होने का शक जताया गया था। ऐसे में यूपी ATS लगातार घंटों तक उनसे पूछताछ करती रही। कई दिनों तक ये सवालों का सिलसिला चलता रहा। अब जब सवालों का सिलसिला कुछ थमा है तब सीमा हैदर और सचिन मीणा के लिए एक दूसरी मुसीबत आ गई है, वो है खाने और रोजगार का मसला। सचिन मीणा एक दुकान में नौकरी करता था, उसके परिवार के अन्य सदस्य भी दिहाड़ी भत्ते के हिसाब से ही काम कर रहे थे। अब जब पिछले करीब 1 महीने से कमाने वाला हर सदस्य मीडिया की चकाचौंध, पुलिस के सवालों में घिरा है तब रोजी रोटी का संकट है। सचिन मीणा के पिता ने एक निजी चैनल को बताया कि प्रशासन को इसका समाधान निकालना चाहिए क्योंकि हम बाहर नहीं जा पा रहे हैं जिसकी वजह से कोई कमाई नहीं हो रही है। हम पूरे दिन घर में रहते हैं जिसकी वजह से राशन खत्म हो गया है और कोई कमाई भी नहीं हो रही है। 30 साल की सीमा हैदर ने दावा किया था कि वो अपना घर बेचकर लाखों रुपए खर्च कर सचिन के प्यार में भारत तक पहुंची है। लेकिन यहाँ अब हालात ऐसे हैं कि सचिन और सीमा को खाने के लाले पड़े हैं। एक तरफ अंजू थी जो सिर्फ घूमने की बात कर पाकिस्तान पहुंची और अब वहां अपनी नई दुनिया बसाती दिख रही है। दूसरी तरफ सीमा हैदर है जो अपना सब कुछ बेचकर भारत आई थी और अब यहां पाई पाई की मोहताज हो रही है। 1 महीने में ही दोनों के मामले कितने बदल गए हैं इसने हर किसी को हैरान कर दिया है। आगे ये मामला कैसे बदलता है और इसकी कहानी में कितने मोड़ आते हैं इस पर भी हर किसी की नजरें टिकी हुई हैं। बाकी इस खबर पर आप अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करें। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें TV9 भारतवर्ष डिजिटल।